हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सीटेट का जो है एग्जाम हो गया। 20 अगस्त को जैसे जानते हो आप लोग, सीटेट का एग्जाम हुआ है। एग्जाम के पहले बहुत सारे जो चीजें हुई, जिसकी वजह से बीएड कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे भी थे जो एग्जाम देने नहीं पहुंचे। आंकड़े जो जब हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यही पता चलता है। सीटेट का एग्जाम हो चुका है, अब आगे का आप लोगों का क्वेश्चन यही है आंसर की कब आएगा, आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ भी रहे होंगे। तो हम आज अभी इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं कि आंसर की आप लोग को कब देखने को मिलेगा, रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कितने अभ्यर्थी जो है वहां पे उपस्थित हुए, जो सीटेट का एग्जाम देने गए थे क्या कितने उपस्थित हुए, क्योंकि उसके पहले जो बवाल हुआ था उससे तो लग रहा था कि इस बार कम पहुंचेंगे। तो इन सभी चीजों को जो है हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो हेडिंग बनाया गया है न्यूज का, वही चल ही रहा है एक्चुअली में, यही है भी। यहां पर आप देखोगे 60% रही उपस्थिति, 60% ही जो है प्रेजेंट हो पाए हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने गए हैं, क्योंकि बहुतों का मोराल डाउन हुआ, डिसअपॉइंट हुए, जिसके वजह से उन्हें लगा कि हमें अब जाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 1 to 5 में तो कम हुआ ही है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन देने गए हैं स्टूडेंट, उनके अकॉर्डिंग जो है मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड थे। 30% क्वेश्चन जो है मैथ्स और साइंस के घुमावदार थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। अगर पूरा क्वेश्चन का सेट देखा जाए तो लैंग्वेज का पेपर काफी ईजी आया हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे, बट ट्विस्टेड क्वेश्चन जो है मैथ्स और साइंस के मिले हुए थे। यहाँ पर जो ये चीजें हैं उसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लो, ये पटना से है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। अभ्यर्थियों के मुताबिक गणित और विज्ञान के प्रश्न कठिन थे, दोनों विषयों से जुड़े 30% प्रश्न घुमावदार थे, 30% जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया था। अच्छा, एक चीज और हो रहा है, जो भी लेट पहुंच रहा है सेंटर पे उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। ऐसे भी बहुत सारे रेशियो रहे हैं, क्योंकि हर जगह से जो है जो वहां के प्रिंसिपल हैं उन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लेट पहुंचे तो उनको अंदर में एंट्री नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें आप मत करो, इतने दिनों से आप लोग जो है तैयारी करते हो और बस टाइम की वजह से आपको एंट्री ना मिले, सही नहीं है ये। तो ये चीजें हैं, और हम यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार का ही अगर आंकड़ा देखते हैं तो 4,32,000 जो है बिहार में स्टूडेंट्स थे जो कि सीटेट का एग्जाम देने वाले थे, लेकिन दिए कितने, तो दिए हैं सिर्फ आपका जो है 2 लाख। देखिए यहां पर आप लोग को दिखाई देगा, 2.5 लाख बिहार में जो है अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, मतलब 2,50,000, ये आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि कब आएगा इसका आंसर की एंड कब आएगा रिजल्ट। आंसर की के बारे में बात करते हैं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की देखने को मिलेगा, ठीक है, साइट पर ही मिलता है, सीटेट के साइट पर आप जाकर के देख सकते हो। और अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो यहां पर देख लो, रिजल्ट आप लोगों को जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह यानी कि सितंबर लास्ट में जो है आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये सितंबर मंथ में आप लोगों का ये सीटेट का जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो जो अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना सीटेट अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके बाद आगे के प्रोसेस में रहिए, क्योंकि आगे जो है बहुत सारी वैकेंसीज आप लोग का वेट कर रही है। बीएड कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज वेट कर रही है, टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो तैयारी में जो है आज से ही आप लोग लग जाइए। इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आएगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।